Today we do debate writing. Debate writing is a style of conversation in argumentative way that doesn't mean we do fight in the name of argument. Whose words? It's a fight with words, okay? Not physically. Whose word will strong? The person will win, okay? First we will discuss important. Second we will discuss marking scheme and format. These are the three main points we have to discuss about a debate writing. Okay, let's get into the video. Debate writing में क्या क्या होता है, क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है, वो बातें आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। सबसे ये 10, जैसे कि हम जानते हैं 10 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको कितने वर्ड्स लिखने होंगे, 150 से 200 वर्ड्स इसकी लिमिट होगी, ओके। उसके बाद कुछ पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं। डिबेट इज ए सीरियस डिस्कशन ऑन एन इशू और ए सब्जेक्ट, ये ऐसा डिस्कशन है जो किसी इशू और सब्जेक्ट पे डिस्कस होता है। एटलीस्ट इसके लिए 2 पर्सन्स की ज़रूरत होती है डिबेट करने के लिए, है ना। और ये आर्गुमेंटेटिव स्टाइल में होता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, इसको समझाते हैं। मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या, फॉर्मेट मैंने आपको बताया, उसमें ओपनिंग है, ओपनिंग एड्रेस है, उसमें कंक्लूजन है, उसमें सेकंड पैराग्राफ है, ओके। इसके मिलेंगे आपको 1 मार्क, ठीक है। कंटेंट, क्या फैक्ट्स आपने उसमें डाले हैं, उसके मिलेंगे आपको 4 नंबर। आपका कंटेंट क्या है, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, अच्छा। इन लास्ट वालों के आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स, ओके। और इन ऊपर वालों के लिए भी आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रामर में मिस्टेक कर देते हो, या फिर इनमें कुछ आइडिया उनको आपके एग्जामिनर को पसंद नहीं आता है, अगर आप ये सही नहीं लिखते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2.5 मार्क्स ही कटेंगे, ठीक है। लेकिन हमें एक भी नंबर नहीं गंवाना है। आप जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊँगा, आप उसके अकॉर्डिंग चलो, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। फॉर्मेट में जैसा कि सबका होता है, इसका भी एक टाइटल होगा। टाइटल क्या होगा, ओके, हम एक टॉपिक चुन लेते हैं। हमने एक टॉपिक ले लिया है, वॉर ऑलवेज क्रिएट मोर प्रॉब्लम देन दे सोल्व। ये हमने फॉर्मेट लिख लिया है, और हम टाइटल वैसा लिखना नहीं है, सिर्फ हमें हमारा टॉपिक लिखना है। ये वाला टाइटल जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा हुआ, बस जो लाइंस बोलेंगे वो होंगे हमारे एड्रेस। एड्रेस तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं है, एड्रेस का मतलब यहाँ है कि आप लोगों को एड्रेस कर रहे हो, यानी कि आप उनको बोल रहे हो एड्रेस करना, या फिर बोल देते हैं सैल्यूटेशन करना, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, ठीक है। या फिर हम इसको इनिशियल पैराग्राफ भी बोल सकते हैं, लिखना तो है नहीं, बस जानना है कि भाई इस तरह से ऐसे ऐसे तो पैराग्राफ होते हैं। अच्छा, हम पहले पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, ये देखो। पहले सैल्यूटेशन हम कैसे करते हैं, तो आप माइक पे खड़े हो और आपने बोलना शुरू किया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एस्टीम जजेस, ऑनरेबल गेस्ट्स, रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय फेलो स्टूडेंट्स, ओके। और इसके बाद की लाइन जो होगी ना, वो आपको ये लिखना है, ठीक है। ये पहला ही पैराग्राफ चल रहा है हमारा, NDPS स्कूल एंड आई एम going to and I am going to I'm going to speak with ya against the motion। इस लाइन का मतलब ये है
कि आप राहुल हो, ये तो आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि भाई यहाँ पे आएगा क्या, आप राहुल हो ठीक है, इस स्कूल से हो, स्कूल कोई भी हो सकता है ठीक है, स्कूल से हो और मैं बोलने जा रहा हूँ किसी चीज़ के, या तो आप मोशन के साथ बोल सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप उसको उसके पक्ष में बोलने जा रहे हो ठीक है, और अगेंस्ट का मतलब है कि आप उसके अगेंस्ट बोलने जा रहे हो। सोचो कि हमारा जैसे टॉपिक ऊपर वार है, कुछ लोग हैं जो वार को रिकमेंड करते हैं कि वार होने से पीस आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें सोल्व हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ये मानते हैं कि वार गलत है ठीक है। जब आप ये सोचो कि वार सही है, जब आपको ये लगे कि वार होना सही है, तो आप जाओगे विद द मोशन। अगर आप कहोगे कि वार गलत है, तो फिर आप अगेंस्ट, मतलब आपका जो भी टॉपिक होगा यहाँ पर, आपको उसके या तो साथ में जाना है विद या फिर अगेंस्ट जाना है, दोनों में से एक। और ये वाली जो लाइंस हैं, ये वाली लाइंस सभी डिबेट्स के लिए सेम रहेगी ठीक है। ये तो आपको हर जगह लिखना ही लिखना है, इसका नोट्स बना लेना, और आपका जो टॉपिक है उसके बारे में क्या क्या लिखना है ठीक है, वो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ठीक है। वैसे तो हम इसको एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन। मैं सेकंड पैराग्राफ को शुरू करने जा रहा हूँ एक रेटोरिकल क्वेश्चन से। क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, सब मेरे सामने बैठे हैं, मैंने पूछ क्वेश्चन सबसे पूछ लिया, इज वार द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, और फिर मैं अपना उसके लिए बोलना शुरू करता हूँ। अगर आप अगेंस्ट में तो अगेंस्ट में लिखोगे, अगर आप साथ में तो साथ में लिखोगे। इसमें आपको, अगर मैं आपको बोलूँ कि स्पेशली किन चीज़ों का जिक्र करना है, तो वो चीज़ें होंगी फैक्ट्स दैट सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट ठीक है, ऐसे फैक्ट जो आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सके, उसको मजबूत बना सके ठीक है। पर्सनल थॉट्स ओके, तो ये सारी चीजें फैक्ट जितने भी आप उस टॉपिक के बारे में जानते हो, बस उसमें लिख दो इस पैराग्राफ में ठीक है। यहां से आपके नंबर ज्यादा यहीं से आएंगे। पैरा टू में आप आपका जो टॉपिक है उससे ये भी लिख सकते हो, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है ओके, जितने भी पॉइंट्स आप जानते हो वो लिख देना। अब हम बात करेंगे थर्ड पैराग्राफ की। थर्ड पैराग्राफ में हम करते हैं कंक्लूजन में क्या, अब हमें लास्ट पैराग्राफ है, हमें इसको खत्म करना है ठीक है। अब हम इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता सकते हैं ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें बता सकते हैं ठीक है। ये पैराग्राफ स्मॉल होगा ओके, और आप इसको जो आपने पहले भी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बताया ना, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो आपके आर्गुमेंट को, जो आपको आपका डिबेट में जिता दे, वो वाले कुछ पॉइंट्स लिख के इसको कंक्लूड कर दो। ठीक है, कंक्लूड विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट।